सब्सक्राइब कीजिए LON न्यूज चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले जानने के लिए। मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, उस ऐसे क्रांतिकारी की बात जिनका उनको हमारी एक एक भावना एक एक बात उनको समर्पित है। आज इसी उपलक्ष के दिन सुभाष चंद्र बोस के दिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपनी एक ऐसे मेहमान से जिनके सामने आपको आते ही आपको लगेगा कि महिलाओं को अगर प्रेरित किया है, ऐसी उनकी जो मेहनत है, ऐसी उनकी जो लगन है, उस मेहनत का जो रंग दिखा है वो संयुक्ता भाटिया जी के में दिखा है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में महिला मेयर जो कि पहली बार लखनऊ की मेयर बनी है और उस लखनऊ के अंदर वो पहली ऐसी महिला हैं जो कि मेयर बनी। आज हम बात कर रहे हैं सयुक्ता भाटिया जी से। आज हम जानेंगे उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज हम सयुक्ता जी से ये भी जानेंगे कि वो एक बेटी भी हैं, वो एक बहू भी हैं, वो एक माँ भी हैं। इतने सारे रिश्तों के साथ आज एक और पद जो यहाँ की लखनऊ की आवाम ने उनको दिया, लखनऊ की जनता ने उनको दिया, एक भरोसा उनको दिया, एक जीत उनको दी। तो बहुत बहुत स्वागत है सयुक्ता जी आपका हमारा लाइट ऑफ नेशन न्यूज चैनल में। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ये जो खुशी है मेयर की, ये आपकी झोली में जब आई तो आपकी पहली फीलिंग क्या थी? क्योंकि आपका जो राजनीतिक जो सफर रहा है मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन जब आपने ये पद ग्रहण किया मेयर का तो वो फील क्या रहा आपके साथ? बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि चुनाव में मैंने सबसे वादा किया था कि मैं आपका काम करूंगी और आपके बीच में आऊंगी और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। जब मुझसे पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि आप जीत कर आएंगी तो क्या करेंगी और लोगों की जीत के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी और मैं उनको कह रही थी कि मैं जीत कर आऊँगी और इसलिए मेरे मन में खुशी थी। लेकिन मुझे मैं पहले से जानती थी इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी थी। जब एकदम से अचानक पता चलता है तो ज़्यादा खुश होते हैं लोग। मुझे पहले से मालूम था मैं जीतने वाली हूँ। क्या बात है संयुक्ता जी, जैसे महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है या महिलाओं को उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं जो देख पा रहा हूँ कि आपके परिवार में आपको आपके परिवार से यहाँ तक कि लखनऊ के आवाम से आपको बहुत सपोर्ट मिला, तो इसके पीछे आपकी ताकत क्या है? क्योंकि मैंने शुरू से सोशल वर्क किया है, मैं समाज के बीच में रही हूँ और फिर भारतीय जनता पार्टी जब मैंने ज्वाइन की उसके बाद से मैं लगातार महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ और महिलाओं से मेरा जुड़ाव है, पूरे नगर से मेरा जुड़ाव हुआ। और जब मेरी टिकट की बात चल रही थी तो मुझसे ज़्यादा यहाँ मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए कह रहे थे, 95% कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए कहा कि टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए। क्या बात है। और उसके बाद जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो समय बहुत कम था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मेरा टिकट फाइनल हुआ था और शहर बहुत बड़ा, 7 विधानसभाएं 2 लोकसभाएं थी, लेकिन मैं सब जगह नहीं पहुंच पा रही थी, मेरे कार्यकर्ता ही लगे हुए थे। उसका कारण केवल यही था कि मैं जनता के बीच में काम कर रही थी। एक नई अचीवमेंट है कि अभी तक सारे पुरुष मेयर बने थे और आप एक पहली महिला रही, तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि आवाम की जिम्मेवारियां और आपके आपके कंधों पे एक ऐसा भरोसा आके टिक गया कि अब आपको उसके ऊपर खरा उतरना है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो भरोसा पूरा कायम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगी, क्योंकि महिलाएं जो है वो दोहरी भूमिका निभाती हैं। अगर कोई पुरुष बाहर काम करता है तो वह घर का काम नहीं करता, लेकिन अगर महिला को
काम बाहर काम करती है तो घर का काम भी करके जाती है, अपने बच्चों को भी देखती है, अपना घर भी संवारती है और उसके बाद वो बाहर का काम भी करती है। तो महिला होने के नाते से मुझे पूरा विश्वास है कि मैं, भरोसा है अपने ऊपर कि मैं बिल्कुल उसको पूरी तरह से निभा पाऊंगी। केंद्र सरकार की बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ की योजना है, ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे बेटियों के लिए योजना बहुत जोरों से चलाई जा रही है, तो ऐसे में आप किस तरीके से इस योजना को देखते हैं कि पूरा फायदा क्या आवाम को मिल पाता है इस योजना का? बहुत बहुत अंतर आया बेटियों में। पहले बेटियों को लोग भ्रूण हत्या बहुत होती थी, लेकिन मोदी जी ने जब से इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम दिया है, मोदी जी ने तो बहुत सारे कार्यक्रम दिए, 165 योजनाएँ दी हैं अपने अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए। उनकी ये योजनाएं बहुत कारगर हैं, जिसमें से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है और हर जन आंदोलन के रूप में इसको लिया गया। एक ऐसा समय आ गया था कि हमारी आबादी, जो हरियाणा में आबादी महिलाओं की कम और लड़कियों की कम और लड़कों की ज़्यादा हो गई थी, तो ऐसे में विकलांगता की स्थिति पैदा होती है, उसको इस समय पूरा किया जा रहा है और हम इसका बहुत असर हो रहा है। एक और योजना है स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन लखनऊ को देखकर नहीं लगता है कि लखनऊ पूरी तरीके से स्वच्छ है, साफ है, तो एज ए मेयर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैंने शुरू से जिस दिन से शपथ ग्रहण की है मेरा संकल्प यही था, चुनाव के समय भी मैंने कहा था कि मैं शहर को सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, सुनियोजित और स्मार्ट सिटी बनाऊंगी, और उस पर मैंने पहले दिन से ही, जिस दिन मैंने शपथ ग्रहण की उसके दूसरे दिन से ही काम चालू कर दिया। मैं रोज एक वार्ड में अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर डंपिंग पॉइंट है, कूड़ा है और लोगों को लगता है कि हमारे घर के सामने ये कूड़ा जिंदगी भर रहेगा, एक गाड़ी जाती है तो फिर दोबारा कूड़ा कलेक्ट हो जाता है और हम जिंदगी भर इसी में रहेंगे, तो वहाँ पर जाकर मैं उस पॉइंट को हटाकर हमेशा के लिए ख़त्म कराती हूँ। और धीरे धीरे करके मेरी योजना ये है कि जितने भी डंपिंग पॉइंट सड़क पर हैं वो ख़त्म हो जाए, हम जितनी भी सफाई करेंगे, सफाई के लिए बहुत विशेष ध्यान दे रही हूँ मैं, और इस मोदी जी का जो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना है उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और उसी की प्रेरणा से मैंने नगर का, मैं घर, मुझे, मेरी भी कुछ आदत है, मैं घर पर बहुत साफ़ सुथरा और रखती हूँ, और मुझे ये जब उन्होंने इसको अभियान के रूप में लिया तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाने का काम अपने जिम्मे लिया था, अपने मोहल्ले में मैंने सबसे प्रथम ये किया था और अभी भी मैं उसी तरफ, नगर निगम की जब मुझे जिम्मेदारी मिली मेयर की, सबसे पहला काम मैंने यही शुरुआत की है, तो इस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगी और करूंगी। और जो हमने संकल्प लिया है कि लखनऊ को नंबर एक पर लाएंगे, तो उसको लाकर लाने का पूरा पूरा प्रयास है और जनता से अपील है कि वो इसमें हमारा सहयोग करे, बिना जनता के कोई काम हो नहीं सकता, अकेला कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। मैं संयुक्ता जी, कुछ मुद्दों पे मैं रोशनी डलवाना चाहूँगा मैं आपसे, कुछ संजीदा मुद्दे हैं, जैसे मैं बात करूँगा भ्रूण हत्या के ऊपर, मैं बात कहना चाहूँगा दहेज प्रथा के ऊपर, मैं बात कहना चाहूँगा रेप के ऊपर, काफ़ी ऐसी महिलाओं से जुड़ी हुई ऐसी परेशानियाँ हैं जो दर बदर बढ़ती जा रही हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो ऐसे में एज ए मेयर और ऊपर से महिला हैं आप, तो उस दर्द को आप बहुत बखूबी फील कर सकते हैं कि एक महिला पे जब ऐसी चीज़ें गुजरती हैं तो उसको क्या दर्द होता है, तो एज ए मेयर होने के नाते इन चीज़ों पे भी आपने कुछ नई चीज़ या नई कोई प्लानिंग अगर करी हो तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे आवाम को ज़रूर बताएं। मैं महिला हूँ और महिला के नाते से मैं महिला का दर्द भी समझती हूँ और मैंने वर्षों में महिलाओं के बीच में काम भी किया है और मैं चाहूँगी कि महिला सुरक्षा और महिलाओं पर मैं काम करूँ, और इस पर सबसे पहले मैंने शुरू किया है स्वच्छता अभियान के साथ साथ जो हमारे योगी जी ने दिया है, संकल्प लिया है शौचालय का, जो ये भी स्वच्छ भारत में आता है, ये प्रोग्राम भी इसको भी हम लोग लेके चल रहे हैं, और इसमें महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था कराएंगे क्योंकि पुरुष खुले में यूज़ करते हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन महिलाएं वो भी नहीं कर पाती हैं, तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या जो टॉयलेट की है उसको सबसे पहले पूरा करने की संकल्प लिया है और बहुत सारे व्यवस्था इसके लिए टॉयलेट बन भी रहे हैं। और दूसरा हम लोग पर्यावरण, दूसरा महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे होने चाहिए, जो मैं कराने में प्रयास करूँगी उसके लिए,
और एक ऐसी व्यवस्था जैसा मेट्रो वालों ने बताया कि उनके यहाँ हर कंपार्टमेंट में एक ऐसा स्विच लगा है जिसको पुश करने पर गार्ड के पास उसकी फोटो चली जाती वहाँ की। तो ऐसा ही मैं चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में बसों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि महिलाएं जहाँ महिलाएं जाती हैं वो वहाँ से उस तरह वहाँ से सुरक्षित सुरक्षित कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो आवाम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे काफ़ी अक्सर देखा गया है कि आवाम जो है, जो जनता है, वो हमेशा नगर निगम के या मेयर के सिर्फ चक्कर ही काटती रहती हैं, वो समस्याओं के समाधान नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में ज़माना मॉडर्नाइज होता जा रहा है, हर चीज़ आज की डेट में ऑनलाइन होती जा रही है, तो क्या नगर निगम अपने आप को ऑनलाइन सिस्टम में अपने आप को पूरी तरीके से तब्दील कर पाया है? करने की कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी तब्दील कर लेगा इसको। अभी पार्किंग की बात चल रही है, अभी दो दिन पहले ही हमारी मीटिंग हुई है, उसमें जो हमारी नगर निगम की पार्किंग है उसमें ऑटोमेटिक व्यवस्था होने जा रही है। ऑटोमेटिक यानी ऑटोमेटिक पार्किंग की सेवाएं देने के का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही हम उसमें सफल भी हो जाएंगे। पूरा बातचीत हो रही है और ये काम बहुत 3 पार्किंग हमारी जो नगर निगम की बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग है उसमें हम ये काम पहले शुरू करेंगे। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे। न्यू जो जनरेशन है, जो नव युवक लोग हैं, वो अपने माँ बाप को या मैं कहूँ कि अपने बुजुर्ग माँ बाप को वो प्यार नहीं दे पाते हैं या वो साथ नहीं दे पाते। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चीज़ों के लिए खड़ी तो हो जाती हैं, लेकिन कुछ मुद्दे आज भी ऐसे हैं जो समाज के अंदर तक खराब हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मुझे ये भी जानने को मिले कि जो नवयुवक अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को अपने साथ नहीं रखते, ऐसे में संयुक्त भाटिया क्या कहना चाहेंगी इस मुद्दे पर? हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है भारत की, लेकिन धीरे धीरे हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भागते चले जा रहे हैं और देखा देखी हमने न्यूक्लियर परिवार हो गए हमारे और सब अलग अलग रहने लगे। आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं इंडिया में जो एक साथ रहते हैं भारत में, लेकिन ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो अलग अलग रहने लगे हैं। तो ये बहुत हमारे संस्कारों में कमी आई है और उसका कारण केवल पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जाना है। और इस बार हम लोग फिर प्रयास कर रहे हैं कि हम पाश्चात्य वहाँ के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और जो बच्चे एक साथ साथ रहेंगे नहीं तो उनका प्यार आपस में बढ़ेगा नहीं। और पहले जैसे दादा नानी कहानियाँ सुनाकर बच्चों को सिखाया करते थे, बताया करते थे, और शिवाजी को कहानियाँ सुन के ही उनकी माता ने बलशाली बना दिया, तो ऐसे ही दादा नानी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। आज वो दादा नानी साथ में रहते नहीं, इसलिए बच्चों में वो संस्कार नहीं पैदा हो रहे। तो उन संस्कारों को हम लाने का प्रयास करेंगे और जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे भी ये प्रयास कहूँगी मैं और मिलती हूँ और कहती भी हूँ कि अपने वो इसकी शिक्षा दें और लोग फिर उस तरफ आने का प्रयास करें। परिवार में जब एक पिलर स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसे में परिवार के हर सदस्य की ताकत डबल हो जाती है। इस ताकत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहूँगा माइक आप, पहले नाम फिर। मैं शिवानी गाबा, सबसे छोटी बिटिया हूँ और बहुत गर्व महसूस होता है कि एक बहुत ही सशक्त और मजबूत माताजी की बेटी हूँ मैं, और ये विश्वास दिलाती हूँ कि सिर्फ आगे आने वाले समय में उनका नाम ही नहीं उनका काम भी बोलेगा। बेटी ये भी हैं, बेटी आप भी हैं, लेकिन जब लोग बोलते हैं कि मम्मी आपकी मेयर हैं एंड आपसे उम्मीद, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाम को भी आपसे एक उम्मीद हो जाती है और जनता कहीं ना कहीं लीडर के बच्चों में वही छवि देखना चाहती है जो लीडर के अंदर होती है, तो ऐसे में आपकी भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जनता भी आपसे उम्मीद लगा लेती है। तो आपको क्या लगता है कि मम्मी के जो रास्ते हैं उनको आप आगे फॉलो करें? बिल्कुल, और आज भी मैं बोलूँगी वो मेयर आज भी नहीं है, आज भी वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हैं और कार्यकर्ताओं के भी ही हैं, वो आज भी एक नाम आदमी की तरह है, कोई ऐसा नहीं कि मेयर है तो उस तरह का प्रोफाइल हो। तो हम लोग तो वही चीज़ फॉलो करते हैं कि आज भी वो चीज़ नेताओं वाली बात नहीं है, नेताओं वाली ऐड नहीं है, आज भी कोई भी आम आदमी आता है तो आसानी से मिल सकता है, ये नहीं कि नेता है तो मिल नहीं सकते, मिल नहीं सकते। तो एक वो फीलिंग नहीं कि हम बहुत मेयर और ये वो वाली फीलिंग है हमारे घर में नहीं है, तो एक आम जनता की तरह है और आम जनता के दरबार हमेशा खुला रहता है। हम लोग भी वही चीज़ फॉलो करते हैं,
जो हमारे बड़े फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी एक हमने अक्सर देखा है कि परिवार में जब एक लीडरशिप आ जाती है, एक राजनीतिक कदम रख लेती है, तो वो जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं परिवार में उतना समय नहीं दे पाते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय जनता का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील नहीं होता आपको कि मम्मी का प्यार जो है वो दो जगह बढ़ गया, एक राजनीति में चला गया और दूसरा हमारे खेमे में कम आया प्यार? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से वहीं देखते आ रहे हैं। बचपन से ही मम्मी सोशल लाइफ में बिजी रही हैं और भाजपा में बहुत समय से हैं, पापा भी वैसे थे, तो हम लोग की ब्रॉटअप भी वैसे ही है, तो हमें पता है कि ये समय हमारा है और ये समय उनके काम का है, तो हमें वो चीज़ खलती नहीं, क्योंकि बचपन से हम उन्हें इसी रूप में देखते आ रहे हैं। यानी कि संयुक्ता जी की दो बेटी, अब मैं अपने दर्शकों को संयुक्ता जी की दूसरी बेटी से मिलवाता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये जो दूसरी बेटी है ये भी हमें ये बताएं कि परिवार में, यानी कि जब एक पिलर स्ट्रांग हो जाता है और एक ऐसी चीज़ घर में आ जाती है जो सोची नहीं होती या प्री प्लान नहीं होती, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार की जो ताकत है वो 10 गुना बढ़ जाती है और नेचुरली के आवाम से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी हो जाती है। तो दोनों भागों को मम्मी कैसे संभालती हैं, क्योंकि राजनीति भी संभाल रही हैं, आपको भी संभाल रही हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों के हर उन पहलुओं को संभालती हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम लोग को, जैसे आपने बोला ना कि नहीं पता था या हाँ, पता था ये तो मम्मी को, मम्मी जीतेंगी, मम्मी को नहीं, जीतने की बात ही नहीं है। मम्मी शुरू से इतना एक्टिव रही हैं, इतना लगी हुई हैं एंड शी इज़ वेरी, हम लोग के लिए शी इज़ अ, मतलब कि एक मोटिवेशन है हम लोग के लिए एंड मैं तो मम्मी को बहुत ज़्यादा अपने वो करती हूँ कि भाई जैसे मेरे है ना सब सब लोग हैं सब बताते हैं तो मैं मम्मी तरह आवाज़ है तो आई एम प्राउड ऑफ दैट कि भाई चलो मम्मी तरह है मेरा, तो शी इज़ माई मोटिवेशन एंड आवर मोटिवेशन। और हम लोग को ये हमेशा से रहा है, पापा हमारे MLA थे, मेरी मम्मी बहुत एक्टिव रही हैं शुरू से, तो हम लोग को था कि मम्मी कुछ ना कुछ कभी इनका। आप दोनों ने कभी ये नहीं सोचा कि जैसे जैसे मम्मी मेयर बनी हैं तो आप दोनों ने कोई विजन प्लान किया अपना आगे के लिए? क्योंकि एक होता है कि मम्मी अगर ऐसे हैं या पापा अगर ऐसे थे तो यार हम भी इन फ्यूचर कुछ ऐसा बने। नहीं मतलब मौका मिलेगा तो पॉलिटिकली तो मौका मिलेगा तो हम लोग भी, लेकिन हम मम्मी के लिए चाहते हैं कि मम्मी का अच्छा हो, उनका बहुत अच्छे से जैसे कर रही हैं वो करती चली जाएं, तो उनके लिए बेस्ट विशेस चाहेंगे और उनके लिए गुड विशेस देंगे, वो हम चाहेंगे। मैं आप तीनों से ये चाहूंगा कि 26 जनवरी के लिए आप तीनों कुछ अपनी बातें कहें और हिंदुस्तान की जनता को ये ज़रूर बताएं कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी एक ताकत है और उसकी मिसाल मेरे सामने है। और क्या होता है कि ऐसी ही मिसालें, मैं किसी को बदल नहीं सकता लेकिन मैं मिसाल को दिखाकर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि नहीं, अगर ये कर सकती हैं तो बाहर की बेटियाँ भी कर सकती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक एक मैसेज बारी बारी आप 26 के लिए। मम्मी ने शुरू से हम लोग को कभी भी इस तरह से हम लोग का जो ब्रॉटअप रहा है उस तरह से कभी किया ही नहीं कि बेटी है और बेटा है, इस तरह से कभी नहीं रहा, फर्क कभी नहीं किया। हम लोग ने जो भी डिमांड्स हैं या जितनी भी हम लोग की जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी हैं तो मम्मी ने उनको हमेशा हैंडल बहुत अच्छे से किया है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को मम्मी से बिल्कुल रिलेट पाते हैं और कुछ भी हम लोग को ऐसा नहीं फील होता कि हम लोग किसी चीज़ को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग को कभी भी इस तरह का नहीं फील होता और हम लोग को लगता है कि भाई जैसे मम्मी सब कुछ कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। शी इज़ आवर मोटिवेशन एंड हम लोग आगे चाहेंगे कि मम्मी की तरह ही बने। थैंक यू, थैंक यू मैम। 26 के ऊपर जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर, गणतंत्र दिवस पर मैं अपील करूँगी जनता से कि वो बेटियों को उतना ही सम्मान दे जितना बेटों को देते हैं। मैंने अपनी बेटियों को बेटों से कभी अलग नहीं समझा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा था और उस पर भी मैंने बहुत दिन काम किया है और वहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी जब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम कर रही थी कि सुनकर लगता था कि लोगों के मन में ऐसा क्यों आता है, बेटियों को क्यों अपना। और मुझे आज भी बेटियां प्रिय लगती हैं, जब मैं किसी स्कूल में जाती हूँ और मेरी एक छोटी सी पोती है और वो मुझे अपने घर में सबसे ज़्यादा प्रिय है, और जब लोग मुझसे किसी ने पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आपके घर, आप तो शहर की मेयर हैं आपके घर का मेयर कौन है, तो मैंने बताया कि वो मेरी पोती मेरे घर की मेयर है। और जब मैं किसी विद्यालय में जाती हूँ छोटी छोटी बेटियाँ वहाँ मिलती हैं तो मुझे बहुत प्रिय लगती हैं। मैं चाहूँगी कि सारी बेटियाँ पढ़ लिख कर बहुत ऊँचे स्थान पर जाएँ और एक
जा भी रही हैं, आज हवाई जहाज उड़ान भी भर रही हैं और धरातल पर भी हुआ है, तो सब तरह से वो है, सक्षम है, लेकिन और सक्षम बने, सुदृढ़ बने, अपनी ताकत को पहचाने। मैं गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और मैं ही कहना चाहूँगी जिस तरह से हमारा ब्रॉटअप हुआ है, हमें पाला पोसा गया है, बिल्कुल बराबर हैं सब लड़कियाँ। और आपसे भी ये अपील करूँगी, लड़कियाँ लड़कों के बराबर हैं, उन्हें समान शिक्षा दी जाए, समान सम्मान दिया जाए और लड़कों को भी सिखाया जाए कि सिर्फ लड़कियों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, उनको उस दृष्टि से देखें, उस सम्मान की दृष्टि से देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के पढ़ा तो दिए जाते हैं पर उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि लड़कियों को सम्मान भी देना है, उन्हें उस दृष्टि से भी देखना है। तो हमें लड़कों को भी शिक्षा देनी है, सिर्फ लड़कों को शिक्षा नहीं, लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी शिक्षा देनी है कि लड़कियों को बराबर सम्मान देना है। धन्यवाद। ये थी हमारी संयुक्ता भाटिया जी, जो कि लखनऊ की मेयर थी, और उनकी दोनों बेटियां जो उनकी दोनों बाजुएं थी। आज हमने आपको बताया कि इस लखनऊ की मेयर ने जो आज हमें बातें कही, जो संवाद कहे, जो बात कही, बहुत एक परिवार के साथ, एक संयुक्त परिवार के साथ बड़ा मुश्किल होता है एक मेयर के पद को संभालना, लेकिन बड़ी सादगी से, बड़ी शालीनता से उन्होंने अपने हर सवाल के जवाब को हमारी जनता, हमारी आवाम के सामने रखा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि तीनों ही महिलाओं का एक अलग अपना अपना विचार रहा, क्योंकि बेटी को हमेशा ताकत के रूप में देखा जाता है, बेटी को हमेशा एक विज़न के रूप में देखा जाता है, फ़र्क नहीं किया इन्होंने। तो मैं तमाम अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, लखनऊ की मेयर बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करती हैं, तो आप क्यों करते हैं? इसी अपील के साथ, इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूं, और अगली बार फिर मैं आपको एक नए खास मेहमान से रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।